dear students, in this video we will do questions of home assignment which I have gave you yesterday. So look at fifth question. What is it? In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108, means 108 respectively. यहाँ एक सेमिनार है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीन सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स के नंबर आपको गिवन है 60, 84, 108. हिंदी के लिए 60, इंग्लिश के लिए 84 और मैथ्स के लिए 108. एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. हमें कम से कम संख्या निकालनी है रूम्स की. इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, कि हर एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बिठाए जाएं एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सभी के सभी एक ही सब्जेक्ट के हो, मींस एक ही रूम, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बिठाए जाएं और वो सभी के सभी एक ही सब्जेक्ट से रिलेट करते हो. नाउ वी हैव टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स. मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स गिवन है, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी कि भाई एक रूम में मैक्सिमम कितने कैंडिडेट बैठ सकते हैं. उसके बाद हम नंबर ऑफ रूम्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो फॉर इट व्हाट वी विल डू, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इज इक्वल टू 60, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 84, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथ्स और मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 108. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 60, 84 and 108. You can use any method, prime factorization method, division method or Euclid's division algorithm. Here I am using long division method. For long division method, first of all we will take these two numbers. We will divide 84 by 60. 60 ones are 60. 24 is remainder. Now we will divide the 60 by 24. It will go on to 24 twos are 48. What is remainder? 12. Now we will divide this 24 by 12. 12 twos are 24. Now here remainder is 0. So we will divide next third number, means 108, by 12. Now, on dividing 108 by 12, we will get 12 9s are 108. Here, remainder is 0. So, HCF will be 12. So, HCF of 60, 84 and 108 is 12. Now, we get the HCF. Now, we have to find minimum number of rooms. हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करने हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फाइंड आउट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 4 Hindi 60 4 English 84 4 Maths 108. On adding these, we will get 8 plus 4, 4 and plus 8, 12, 1 carry, 6 plus 8, 14, 14 plus 1, 15, 1 carry, 1 plus 1, 2. Now, there are 252 total participants. So, now, for minimum number of rooms, number of minimum rooms, what we will do, total number of participants divided by HCF of these two. Total participants divided by HCF.
and total participants are 252. Now we will divide this 252 by 12. We will get 12 twos are 24, 1 remainder 12, 12 ones are 12. So 21 rooms means there are 21 rooms in which these total participants are to be seated. One important point. This is one type of this type of question, and this question can come in this way also. Find the number of rooms required for each subject separately. यहाँ एक टाइप ये बनती है, सेकेंड टाइप में क्या होगा, आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, वहां आपसे पूछा जाएगा हर एक सब्जेक्ट के जितने भी रूम्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर ईच सब्जेक्ट. अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपसे नंबर ऑफ रूम्स पूछे जा सकते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी डिवाइडेड बाय एचसीएफ. 60 डिवाइडेड बाय 12 वी विल गेट 5. सो फॉर हिंदी सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स नंबर ऑफ रूम्स विल बी 5. फॉर इंग्लिश नंबर ऑफ रूम्स विल बी 84 डिवाइडेड बाय 12 मींस फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड 7. फॉर मैथ सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स विल बी 108 डिवाइडेड बाय 12 मींस 9. 9 रूम्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स सब्जेक्ट. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन. बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स. सो वी विल डू लाइक दिस. इफ सेकेंड टाइप इज आस्क्ड, यू हैव टू डिवाइड दीज नंबर्स सेपरेटली बाय एचसीएफ. सो रिवाइज दिस टाइप ऑफ ऑल क्वेश्चंस.